आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर से, अपने माइंड से नेगेटिविटी को कैसे निकालेंगे। देखें, नेगेटिविटी क्या होती है? नकारात्मकता यानी नेगेटिव ऊर्जा। और वो ऊर्जा आपके घर में, आपके अंदर कहाँ से आती है? देखिए, इवन कि आप ये भी बात समझिए कि आप बाहर से घर आ रहे हैं तो जो आप जूते चप्पल भी लेके आ रहे हैं ना, नेगेटिविटी तो उसके साथ भी आ रही है। क्या पता आप किसी चौराहे से निकल के आ रहे हैं, किसी रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो आपके जूते चप्पल को हिट कर रही है और वो आप घर लेके आ रहे हैं, इसके कारण भी आपके घर में नेगेटिविटी आ सकती है। दूसरा, कभी कभी कुछ आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनकी ऊर्जा आपको हिट कर जाती है। या आप जीवन में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की टोक लग गई तो भी आपको नेगेटिविटी हिट कर जाती है। आपका काम अच्छा चल रहा है, किसी ने ये कह दिया कि तेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें भी नेगेटिविटी हिट हो गई। तो अब आप अपने घर की नेगेटिविटी अगर दूर करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी अपने आप ही दूर हो जाएगी। उसके लिए जो मैं आज सरल उपाय बताने जा रही हूँ, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं भी अपने आप को मोटिवेट कर सकूं और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के ला सकूं। चलिए अब बात करते हैं कि हम अपने घर की और अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने कांच की बॉटल लेनी है। वो कांच की बॉटल ग्रीन कलर की होगी या येलो कलर की होगी, यानी हरे रंग की या पीले रंग की होगी, और कांच की ही होगी, प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं होगी। अब आपने उस कांच की बॉटल में 12 लौंग, थोड़ी सी अजवाइन और उस बॉटल को पानी से भर दो। अब आपने ये तीनों चीज़ें ली और आपने इस बॉटल को 3 दिन सनलाइट में, यानी सूर्य की किरणों में आपने इस बॉटल को रख दिया। अब इस बॉटल के अंदर जो भी सामान हमने डाला है वो एक्टिवेट हो गया और हमारी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए अब ये काम आएगा। अब आपने क्या करना है, अब 3 दिन बाद आपने इस पानी को अपनी जो आपकी लॉबी का जो एंट्रेंस होती है, दोनों साइड पे डालना है और सेंटर में भी डालना है, ताकि आपका पैर लगे, नहीं तो फुट मैट के ऊपर भी डाल सकते हैं, ताकि आपका पैर इस पानी पे लगे या किसी का भी लगेगा तो नेगेटिविटी घर के अंदर नहीं आएगी, बाहर से ही कट हो जाए। अब दूसरा उपाय आपने क्या करना है, हर 10 से 15 दिन में, जब आप घर में पोछा तो आप डेली लगाते हैं, पर हर 15 दिन बाद आप उस पोछे की बकेट में, बाल्टी में क्या ऐसा डालेंगे जिससे कि हर 15 दिन बाद आपके घर के कोने कोने की नेगेटिविटी दूर हो जाए। आपने क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है, उसमें ऑर्गेनिक विनेगर डालना है, यानी सिरका डालना है, वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। साथ में आपने 2 मुट्ठी सेंधा नमक बाल्टी में डाल देने हैं और उसके साथ आप एक नींबू को, पूरे नींबू को निचोड़ के बाल्टी में डाल दें। अब आपने इस सारे सामान को मिक्स करके पूरे घर में पोछा लगवाना है। पोछा लगवाने के बाद, या खुद लगाएं या लगवाएं, लगाने के बाद आपने दोबारा साफ पानी से पोछा लगवाना है। आप हर 15 दिन बाद या महीने में एक बार भी ये रेमेडी करते हैं, आप देखेंगे कि आपके घर की जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर की, जो आपके परिवार के अंदर बिना बात पे कलेश हो रहा था, जो डिस्टरबेंस चल रही थी, वो भी इन छोटे छोटे उपायों से दूर हो जाएगी। आप ये छोटे छोटे उपाय अपनाएं और अपने जीवन में खुशियां लाएं। जय श्री राधे, जय गुरु जी।